अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी राजा अहसन। काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, और वैसे कहीं पर मीटअप पे जाऊँ तो उधर मेरे से एक सवाल किया जाता है, यार आप कैप क्यों नहीं उतारते। मैं एक आपको चीज़ बताऊँ, कैप एक मेरा स्टाइल भी कह सकते हैं और एक सज़ा भी कह सकते हैं आप ना। मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरी ये बात पूरी सुनने के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा और उसका एंड भी लाजमी देखना, एंड में हुआ क्या था। दोस्त है मेरे जो आके मेरे से शिकायत करते हैं, यार हमारा छोटा भैया आपको ना बहुत फॉलो करता है, उसको समझाओ। और ख़ासतौर पर मैं जेल वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जेल में ज़्यादातर लोग मुझे ना जानते हैं। तो मेरा एक टैलेंट था, मेरा एक वो टैलेंट है मेरे में, जिसकी अहमियत पाकिस्तान में नहीं है लेकिन यूरोप कंट्रीज़ में ना उसको बहुत, उसके लिए ट्रैक्स भी दिए गए। आप वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह, वीडियो के बाद मैं आपको बताता हूँ। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ, उसके बाद आपको ना मेरी बात दोबारा सुनिए। गाइज़, आपने सारी वीडियो देखी है तो शायद कुछ भाइयों को बहुत बुरा भी लगा हो कि यार ये क्या कर रहे हो। ये मैंने आज से 6 साल पहले छोड़ दी थी और 6 साल से मैं ये 5-6 साल से मैं क्या पहन रहा हूँ। तो एंड आपने देखा है, मैं एक बार खाली उस गिरने की वीडियो तो नहीं है मेरे पास जिसमें मुझे चोट लगी थी, मेरे सर पर ना चोट लगी थी, 37 स्टिचेस लगे थे ना मेरे सर पर, तो उसकी वजह से मैंने कैप शुरू कर दी। कैप पहनता रहा, उसके निशान नज़र आता था, तो आज तक मैं कैप पहनता आ रहा हूँ। यार आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी ये फीलिंग वगैरह कर रहे हो, काइंडली यार आप लोग ये काम बिल्कुल ना करो। यूरोप में इसको बहुत अच्छी एक गेम समझा जाता है क्योंकि उधर ट्रैक्स है, उधर सिक्योरिटी है, हर चीज़, लेकिन पाकिस्तान में इसको डेथ गेम कहा जाता है।
तो बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरी आंखों के सामने ऐसे एक्सीडेंट में फोत हुए हैं, तो तब से मैंने बिनिंग भी छोड़ी, मुझे भी चोट लग गई। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार ये काम ना कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।